नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट की साइट पर ज्यूरिख कंपनी ने भी काम शुरू कर दिया है। ज्यूरिख कंपनी के एमडी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सहित सैकड़ों कर्मचारी गुरुवार को पहुंचे हैं। बाकायदा भारतीय रीति रिवाज के अनुसार परंपरागत ढंग से पूजा अर्चना की गई है, नारियल फोड़ा गया है। किस तरह से साइट पर ज्यूरिख कंपनी ने अपना उद्घाटन किया है, स्वयं किया है, न कोई नेता, न कोई यमुना विकास प्राधिकरण का अफसर, ज्यूरिख कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों ने स्वयं भारतीय परंपरागत रीति और धार्मिक क्रिया के अनुसार जेवर एयरपोर्ट की साइट पर उद्घाटन किया है। आप मेरे पासर में जो वीडियो देख रहे हैं जेवर एयरपोर्ट की साइट का है। सबसे पहले ये वीडियो आप रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल और जागो हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों, कहाँ बनेगा जेवर एयरपोर्ट का टर्मिनल, कहाँ बनेगा रनवे और कहाँ कहाँ क्या क्या सुविधाएं होंगी जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण की साइट पर, पूरा नक्शा ज्यूरिख कंपनी ने सार्वजनिक कर दिया है। किस तरह से ज्यूरिख कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जेवर एयरपोर्ट की साइट पर उद्घाटन किया है और क्या रही है मौके की स्थिति, आइए देखें पूरी रिपोर्ट। दोस्तों, एक निवेदन करना है आपसे। अब तक हमारी जेवर एयरपोर्ट की खबरें आप सबसे पहले रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे, अब ये सभी खबरें आप जागो हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। जो साथी चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और जेवर एयरपोर्ट, यमुना प्राधिकरण, फिल्म सिटी, टप्पल बाजना, राया मथुरा, अर्बन सेंटर, न्यू नोएडा, न्यू ग्रेटर नोएडा सहित आसपास की बड़ी खबरें सबसे पहले आप देखने के लिए जागो हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों, अब देखिए जेवर एयरपोर्ट की साइट पर किस तरह हुआ है उद्घाटन ज्यूरिख कंपनी द्वारा, लगातार हमारे साथ बने रहें। यह जेवर एयरपोर्ट की साइट है नगला छितरखां, नगला गणेशी खां की जमीन पर। जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण कार्य यहीं पर शुरू होना है। आप पीछे ये बसें देख रहे हैं, ज्यूरिख कंपनी की बसें हैं। ज्यूरिख कंपनी ने पहली बार गुरुवार को बाकायदा इसका उद्घाटन किया है और नारियल फोड़कर मिठाई बांटी है। सभी कंपनी के अफसर और कर्मचारी इस मौके पर मौजूद रहे। ज्यूरिख कंपनी के एमडी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सहित कई आला अफसर मौजूद रहे हैं और मॉडल सार्वजनिक किया गया है जेवर एयरपोर्ट का। आप देख रहे हैं वीडियो में बाकायदा यह मॉडल सार्वजनिक किया गया है और पूरा लेआउट जेवर एयरपोर्ट का प्रदर्शित किया गया है, उसको भी सार्वजनिक किया गया है। कहां पर सोलर फार्म होगा, कहां पर रनवे होगा, कहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी सेंटर होंगे, कहां एयरपोर्ट होटल बनेगा और कहां पैरेलल टैक्सी वे होगा, टर्मिनल बिल्डिंग कहां होगी और कहां कहां आइसोलेशन और कार्गो सहित फ्यूल फार्म बनाया जाएगा, ये सब सार्वजनिक किया है एक मैप के द्वारा। आप जो ये मैप देख रहे हैं यह जेवर एयरपोर्ट का पूरा लेआउट और प्लान है। इसी प्लान के मुताबिक जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण को विकसित किया जाएगा। दो रनवे होंगे पहले चरण में और टर्मिनल बिल्डिंग होगी। दो रनवे के साथ जेवर एयरपोर्ट की उड़ान शुरू होगी। 2024 के प्रारंभ में जेवर एयरपोर्ट की उड़ान रखने का लक्ष्य रखा गया है। ज्यूरिख कंपनी के मिस्टर निकोलस, मिस्टर दिनेश जायसवाल और मिस्टर क्रिस्टोफ सहित दर्जन भर अधिकारी और सैकड़ों कर्मचारी इस मौके पर मौजूद रहे हैं। आप देख रहे हैं मीडिया को इस कार्यक्रम से दूर रखा गया है। जेवर एयरपोर्ट के इस उद्घाटन कार्यक्रम में यमुना विकास प्राधिकरण के अफसर और कोई भी क्षेत्रीय नेता मौजूद नहीं था, सिर्फ ज्यूरिख कंपनी के कर्मचारी, अधिकारी और जेवर एयरपोर्ट की सुरक्षा में जुटे सुरक्षा गार्ड मौजूद रहे हैं। आप देख सकते हैं यह वीडियो और तस्वीरें आप सबसे पहले जागो हिंदुस्तान और रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आगे भी जेवर एयरपोर्ट पर जो भी गतिविधि होगी, जैसे भी होगा निर्माण कार्य शुरू, हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। जो साथी चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और देखते रहें जेवर एयरपोर्ट की ताज़ा तरीन न्यूज अपडेट। सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ जागो हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर।